नमस्कार, आइए सुनते हैं स्वामी विरजानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक परमार्थ प्रसंग से एक प्रेरणादायी प्रसंग। महाराज कह रहे हैं कि साधक का सारा जीवन ही एक लगातार साधना विशेष है। प्रतिदिन नियत समय पर एक दो घंटे जप तप निपटाकर बाकी समय विषय कर्म में डूबे रहना नहीं, उससे कभी भी जीवन गठन नहीं होता। धर्म भाव जब जीवन के प्रत्येक कार्य, विचार और अवस्था में से प्रस्फुटित होने लगे, हमारे अंदर तक समा जाए, तभी उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। हाथ से काम करो, मुंह से पांच आदमियों के साथ कामकाज की बात करो, पर मन को ईश्वर में लगाए रखो। जानकर रखो कि असल है अंतिम वस्तु ही, जिसके लिए यह शरीर धारण और सभी कुछ है। इसका उपाय है निरभिमानिता, स्वार्थ त्याग, निर्लिप्तता, और भगवान ही एकमात्र सार और सत्य है, यह ज्ञान। कठिन जरूर है, पर अभ्यास से धीरे धीरे हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव जैसे धान कूटने वाली का दृष्टांत देते थे। गांव की स्त्रियां धान कूटते समय बालक को इधर दूध भी पिलाती हैं, खरीदारों से उधर लेन देन का हिसाब तथा चीजों के दर के बारे में बातचीत भी कर लेती हैं, पर उनका मन है ढेंकी के मूसल की ओर, वह कहीं हाथ पर न गिरने पावे। शुरू शुरू में नियम बनाकर जप ध्यान करना पड़ता है। मन स्वभावतः ही काम करने या परिश्रम करने में नाराजगी जाहिर करता है। काम को पूरा ही उड़ा देने या ना करना पड़े, इसका केवल बहाना ही ढूंढता रहता है। जिस काम में उसे लगाना चाहो उसे ना करके वह अन्य दिशा में भागना शुरू करेगा और उधर ही घूमता रहेगा। यदि किसी भी काम में ना लगाओ तो दुनिया भर के सब बुरे काम और अर्थहीन काम करेगा। कहावत है कि खाली मन शैतान का घर, यह खूब सत्य है। उसे वश में करने के लिए दृढ़ता से नियम के बंधन में उसे बांधना पड़ेगा। सोच विचार कर ऐसी एक रूटीन कार्यक्रम बना लो जिसका पालन करना साध्य हो, और दृढ़ संकल्प कर लो कि चाहे जिस अवस्था में तुम क्यों ना पड़ो, दूसरा कोई भी काम चाहे क्यों ना आ जाए, जो नियम बना लिया है उसका पालन किसी भी तरह करना ही होगा। इस तरह की निष्ठा और जोर चाहिए। आहार विहार, लिखना पढ़ना, व्यायाम निद्रा, कामकाज, ध्यान भजन, यहाँ तक कि आमोद प्रमोद, खेल कूद, सब कामों का ही एक निर्दिष्ट समय रहे। मन चाहे अनियमित दिन बिताने से जीवन वृथा ही नष्ट हो जाएगा। रूटीन बनाकर मन को दृढ़ता से शासन करके कहो, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब नियमों को मानकर चलना पड़ेगा। कुछ दिन मन टेढ़ी चाल चलेगा, किसी भी शासन को मानने के लिए राजी ना होगा, इधर उधर भाग जाएगा, पर तुम कुछ भी हो उसका पीछा छोड़ना ही नहीं, उसे बलपूर्वक पकड़ लाकर काम में लगाओ, साथ साथ उसे समझाओ। महाराज बता रहे हैं कि हिंसक जंतु को वश में करना और मन को वश में करना एक ही जैसा है। असीम धैर्य, अध्यवसाय और इच्छा शक्ति चाहिए। हमारा मन जब देखेगा कि किसी भी तरह छुटकारा नहीं है, तब वह अपनी बहानेबाजी और टेढ़ापन छोड़ देगा। भला आदमी होकर जो कहोगे वही करेगा। इसको कहते हैं अभ्यास योग। महाराज कह रहे हैं कि समझ रखो कि इसे छोड़कर मन को वश में लाने का अन्य उपाय कोई नहीं है। दवाई निगलने के समान इस तरह का अभ्यास योग यदि 3-4 वर्ष बराबर कर सको, तब चाहे 1000 शुष्क, कठिन और अलोना क्यों ना लगे, पर बाद में देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है, अमृत के समान और आनंद प्रदायक। आशा है महाराज के इन विचारों पर हम चिंतन व मनन अवश्य करेंगे और इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा व लाभ अवश्य पाएंगे। मिलते हैं फिर। आज के लिए बस इतना ही।
देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।